खबर कटनी जिले से है, जहां लोकायुक्त विभाग ने एक सहायक सचिव पर शिकंजा कसते हुए 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दरअसल ग्राम पंचायत कुलवा बड़खेरा की निवासी जीवाबाई अपने पति के निधन के बाद संबल योजना से स्वीकृत हुई। राशि 2,00,000 रुपए के भुगतान के लिए बड़खेरा पंचायत में चक्कर काट रही थी। वहीं पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक सचिव प्रवीण तिवारी राशि भुगतान करने के बदले में उनसे 20,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिससे परेशान होकर पीड़ित जीवाबाई ने अपने पुत्र के साथ इसकी शिकायत लोकायुक्त जबलपुर को कर दी। इसके बाद शुक्रवार को जब जीवाबाई 20,000 रुपए लेकर रोजगार सहायक सचिव को देने पहुंची, तभी लोकायुक्त की 7-सदस्य टीम ने मौके पर रिश्वतखोर सहायक सचिव को रंगे हाथ धर दबोचा। दिनांक 3/4/2024 को ग्राम बड़खेरा कुलुआ निवासी श्रीमती जीराबाई ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर आकर लिखित आवेदन दी कि उनके पति का देहांत लगभग 6 माह पूर्व हो चुका है, जिसमें उसने पंचायत में संबल योजना के तहत आवेदन की थी, जिसकी 2,00,000 रुपए उनके अकाउंट में आ चुके हैं। तो उक्त 2,00,000 रुपए जो डलवाए गए थे, वो ग्राम रोजगार सहायक प्रवीण कुमार तिवारी के द्वारा डलवाए गए थे। तो प्रवीण कुमार तिवारी का यह कहना था कि मैंने आपके खाते में 2,00,000 रुपये डलवाए हों योजना के, मुझे इसमें से 20,000 रुपये चाहिए उपहार स्वरूप। तो जब शिकायत हुई तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से डिमांड आने से आज दिनांक को लोकायुक्त टीम के द्वारा कटनी मार्केट में स्थित न्यू शिव होटल यूको बैंक के सामने है, वहाँ आरोपी आया तथा जैसे ही उन्होंने आरोपी ने पैसा लिया जीराबाई से, लोकायुक्त टीम के द्वारा मौके पर तत्काल उसे धर दबोचा और 20,000 रुपये बरामद किए गए। अभी धारा से 13(7), 13(1)(b), 13(2) के तहत कार्रवाई जारी है। अगर इसमें अन्य कोई एविडेंस मिलता है या ऐसा लगता है कि अन्य कोई भी लोग शामिल हैं, तो उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई करेंगे।